नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो ये तिल पापड़ी है, कितनी क्रिस्पी और कितनी पतली है, पापड़ जैसे रिजल्ट आप देख रहे हो आपके सामने है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों से इसको बनाया हुआ है तिल पापड़ी। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक कप शक्कर ली हुई, उसके साथ ही मैंने एक कप तिल ली हुई। ये बिना पॉलिश की तिल है दोस्तों, यहाँ पे आप कौन सा भी तिल यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कह जो मैंने लिया है वो भी आपने ही लेना चाहिए, आपको जो पसंद आया वो तिल आप ले सकते हो। मैं आपको हाथों में लेके बता देती हूँ, ये बिना पॉलिश का है सफेद वाला, क्योंकि इसकी तिल पट्टी बहुत अच्छी दिखती है। और ऐसे ही लेना है, दो ही नहीं सेम मेजरमेंट लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। कौन सा भी वाटिका आप एक मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, पहले हम तिल को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, यानी एकदम भून लेना है, यानी सेक लेना है तिल को अच्छी तरह से। भाई खाने में बहुत तो अच्छी लगती है दोस्तों, जैसे आप मार्केट में जाते हो लेने के लिए, उनकी कितनी अच्छी बनती है वैसे ही बनेगी हलवाई स्टाइल में। इसको कहते हैं तिल पापड़ी कहते हैं इसको। मैं आपको अभी संक्रांति आ रही है तो आपको मैं चार या पांच प्रकार के बताऊंगी एकदम इजी और आसान तरीके से, जैसे कि आप जो भी आपको अच्छा आसान तरीका लगा तो आप घर पे बना सकते हैं दोस्तों। कभी भी हमें तिल अच्छी तरह से रोस्ट कर लेनी है, यानी तिल अच्छी तरह से रोस्ट होती है तो क्रिस्पी खाने में मज़ा अलग आती है। तो तिल हमारा कच्चा होगा तो हमें खाने में जो मज़ा हमें चाहिए वो मज़ा आएगी नहीं, तो फिर वो दांतों में चिपक जाती है। और ठंडियों में तो तिल खाना चाहिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पे हमें अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं तेल को। देख रहे हो आप, अभी यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, आप देख रहे हो आवाज आ रही तड़ तड़। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं, ज्यादा हमें तड़ तड़ आवाज नहीं चाहिए तो हमारी तिल जल जाएगी। तो यहाँ पे हल्का सा हमें कर दिया हुआ, तड़ तड़ आवाज आ रही है, सुन रहे हो आप हल्की सी। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई ले ली, यहाँ पे हमें घी ऑयल वगैरह कुछ ही नहीं डालना है दोस्तों, बिना इसके हम लोग बना रहे घी के। यहाँ पे हम लोग शक्कर ऐड कर लेंगे, उसके साथ 1/4 कप पानी डालेंगे। जो हमने 2 कप में तिल और शक्कर ली थी उसके थोड़ा पाउच में जैसा पानी डाले, 1/4 कप बस। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, क्योंकि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाएगी पूरी। और गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं रखनी है। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद ही हमें आगे की प्रोसेस बताई, और ये झटपट होती है, इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं। जिनको नहीं भी आती होगी तिल पट्टी वो भी बना लेंगे दोस्तों। ये पिघल गई है शक्कर हमारी, और शक्कर अच्छी तरह से हमारी पिघलनी चाहिए, खाने में बहुत लाजवाब लगता है दोस्तों। इसी तरह से हम शक्कर को पूरी पिघला देते हैं, यानी मेल्ट। देख रहे थोड़ी शक्कर है, इसी तरह से अभी यहाँ पर हमारी शक्कर पूरी मेल्ट हो गया, आप देख रहे हो दोस्तों इसी तरह से ड्रॉप हो गया ये। अभी यहाँ किसके साथ हम आधा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे क्या होगा हमारी तिल पापड़ी शाइनिंग भी होगी और खाने में टेस्ट भी होगी, और ज़्यादा हमें कड़क बनाने आएगा, क्रिस्पी बना आएगा। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाल दिया हुआ है। अभी जो भी मैंने पानी एक्स्ट्रा था नींबू का, वो पूरा सूख जाना चाहिए पानी चाशनी के साथ। अभी हम इसको पूरा अच्छी तरह से कर लेते हैं। अभी हमें अभी हमारी चाशनी हुई नहीं है, देख रहे हो एकदम पतला है। तो इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पे वेलची पाउडर डाल के 1/4 चम्मच, आपके हिसाब से कम ज़्यादा वेलची पाउडर डाल सकते हो। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी ये मेन प्रोसेस है दोस्तों। ये आपको आ गया तो आपकी तिल पट्टी बहुत परफेक्ट बनेगी, देख रहे हो। और हम इसको करेंगे, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पैन से थोड़ा छूट रहा है, अभी ये चाशनी हो गई है। अभी यहाँ पे हम लोग पिस्ता डाल देंगे, आप कौन सा भी ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने पिस्ता डाला हुआ है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे तिल डाल देंगे जो रोस्ट किया था वो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और गैस हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ये तो ये ज़्यादा कड़क हो जाएगी, पर होता नहीं ये, पर गैस बंद कर देना, चाशनी परफेक्ट हो गई हमारी, देख रहे हो। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा हल्का सा ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बेलन ले लेते,
तिल पट्टी बेलने के लिए। अभी यहाँ पर मैंने एक पॉलीथिन ले लिया, ये घर पे सबके घर पे होता ही है, जैसे जैसे हम किराना सामान भरते हैं तो उसके साथ ये पॉलीथिन आता है, वही यूज करना क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथिन ले ली हुई है और यहाँ पे हम लोग अच्छा वाला घी ले लेते हैं, और घी को क्योंकि ये हमारी जो हम तिल पापड़ी इसके साथ बेलेंगे तो ये हमारी चिपकेगी नहीं, तो इसको मैंने इसे कर लिया हुआ है। मैं यहाँ पे दो ले लेती हूँ पॉलीथिन, इसको थोड़ा साइड रख लेती हूँ, इसको भी हम लोग बेल लेते हैं, यानी घी लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा ही घी लगाना है, हमें निकालने में आसान तरीका हो जाती है पापड़ी को। ओके, यहाँ पे मैंने अभी ले लिया हुआ है ये वाला, थोड़ा और ले लेंगे, जैसा जैसा ठंडा हो तो आप इसको समझना नहीं आ रही, अरे बहुत कड़क, तो इसको आप वापस गैस पे रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर लिया हुआ है, अभी हम इसको बेलन से बेलेंगे, यानी हमारी ये तिल पापड़ी अच्छी बन जाएगी। थोड़ा हाथों से कर लेंगे हल्का सा, और ये बेलने के सुराख कर लेने का है, जितना आपको पतला मोटा चाहिए आपके हिसाब से कम ज्यादा साइज आप कर सकते हो दोस्तों। मैंने इस साइज का किया हुआ है, इसी तरह से आप देख रहे हो, इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालना है। वापस हम लोग दूसरा ले लेते हैं, इसको थोड़ा साइड रख लगाते हैं और वही ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग वापस घी लगा लेते हैं, यानी हमारी तिल पट्टी निकलेगी परफेक्ट। इसे हाथों में कर लें, जैसे हमें लगता है ऐसे इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम उसे हल्के हाथों से बेलते जाएंगे, जैसे जैसे कड़क हो गया वैसे आप गैस पे भी रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे डरने की चीज नहीं है, यानी बहुत सारे का कड़क हो जाता है फिर यार होता नहीं, फिर वो ऐसा कोई बात नहीं, गैस पे रख देने का ये तुरंत हमारा गोल हो जाता है। इसको ये करेंगे, इसको फिनिशिंग दे देंगे हम लोग। देख रहे हो मैं कोई बता रही हूं, कभी नहीं हुआ फिनिशिंग तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ओके, अभी हम इसको देखेंगे, देख रहे हो कितनी परफेक्ट हमारी तिल पापड़ी होगी, पतली, जितना आपको पतली चाहिए आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी हम बाकी की सारी तिल पापड़ी इसे ही बेल लेते हैं, कड़क हो गया है दोस्तों आप देख रहे हो। ओके, तो अभी हम इसको गैस मैंने ऑन कर दिया हुआ है, इसको और हम लोग पिघला लेंगे, यानी हमारी तिल पट्टी वापस से जैसी थी वैसी हो जाएगी गोल गोल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गैस ऑन कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को तिल पट्टी को वापस गोल बेलना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेलना नहीं हो रहा था। मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ, तो इसको ऐसा नहीं समझ अभी अभी बेलना नहीं हो रहा था हम लोग क्या करें, तो अभी हमारा वेस्टेज जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो आपने वापस गैस ऑन करना है, कर लेना है, और इसको वापस ऐसे ऐसे फिर से घुमा लेना है, यानी हमारी तिल पट्टी वापस जैसे थी गोल हो जाएगी, और ये हमारा जो होगा तिल तो ये एकदम सॉफ्ट, आप देख रहे हो ये पूरा चमचे से चिपक रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग गैस बंद कर देना है और वापस जैसे थे वैसे उसको बेलते जाना है। अभी गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है, इसके साथ मैंने अभी इसको मैं बना लेती हूँ तिल पट्टी एक बड़ी गोल वाली। ओके, और बेल लेती हूँ, पर मैंने पॉलीथिन पे ही रखा है दोस्तों। अभी इसको 5 मिनट के लिए हम लोग सुखा देंगे, क्योंकि तुरंत हम लोग खाएंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाती है। ओके, तो हमें इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही सुखाना है दोस्तों। इतने से एक कप के इतने हमने कितना 8 हमारी तिल पट्टी बन गई एकदम परफेक्ट, और साइज भी आपको बता रहे एकदम पतली, जैसे चाहिए आपको वैसे आप बेल सकते हो, पर अभी ये सूखने को टाइम है, जैसे क्रिस्पी नहीं, इसको 5 मिनट हमें ऐसे ही रख देते फिर हमारी तिल पट्टी एकदम क्रिस्पी बन जाएगी दोस्तों। किसी बन गई हमारी तिल पट्टी, आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने, और कितना पतला है ये, आप और पतला बेलना चाहोगे तो और ये पतला बेलना होगा। देख रहे हो रिजल्ट एकदम आपके सामने परफेक्ट है। अभी आपको लग रहा है यार कितनी झटपट ये रेसिपी बन जाती है, तो अभी हम इसको तोड़ के बता देते हैं कितनी खस्ती बन गई है दोस्तों। हल्के हाथों से मैं तोड़ूंगी, यहाँ पे मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगी। ये देखो, देख रहे हो, वाव, और एक बार तोड़ के बताऊंगी मैं आपको, एकदम हल्के से टूट जाती है तिल पट्टी। तो
रिजल्ट आपके सामने है। तो प्लीज आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा तो जितना होगा उतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।